जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित हमारी जो निरंतर टेस्ट सीरीज चलती है शाम को 6:30 बजे, उसी में आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी वन लाइनर टेस्ट सीरीज चल रही है ना। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और इस प्रकार से सब्सक्राइब का बटन दिया होगा तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाते हुए ऑल पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, है ना। और आपको जो है फटाफट से उत्तर बताना है। वन लाइनर प्रकार के प्रश्न होंगे। सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल नीचे दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे आप तो पूरी का पूरा चैनल खुलेगा और प्लेलिस्ट में जाकर के आप पूरे वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, मूलतः परिवार के कितने प्रकार हैं। मूलतः परिवार के प्रकार बताना है, कितने प्रकार के होते हैं। तब आपको फटाक से उत्तर बताना है और उत्तर आपका हो जाएगा दो प्रकार के होते हैं। मूलतः आकार के आधार पर अगर बात होती है तो परिवार के दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संयुक्त परिवार और एक होता है एकल परिवार, है ना। तो दो परिवार के आपको याद रखना है। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। प्रश्न क्रमांक दो का उत्तर में बताना है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। तो प्रश्न क्रमांक दो और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लैंड स्टीनर ने, ठीक है। मानव रुधिर वर्ग की खोज की थी लैंड स्टीनर। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक तीन का उत्तर हमें बताना है। तब आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सिरा विन्यास। क्या कहा जाता है इसे, सिरा विन्यास के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, एनवर रोनेर शब्द किस भाषा से लिया गया है। सभी को बताना है एनवर रोनेर शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है। प्रश्न क्रमांक चार, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेंच। किस भाषा से लिया गया है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई। प्रश्न क्रमांक पांच, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1973 में। कब हुई, 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। किस वर्ष एजेंडा 21 शुरू किया गया। प्रश्न क्रमांक छह का उत्तर हमें बताना है, किस वर्ष एजेंडा 21 शुरू किया गया। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1992 में। कब किया गया, 1992 में एजेंडा 21 शुरू किया गया। नेक्स्ट है, ताप मृदा प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं। ताप मृदा प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न क्रमांक सात का उत्तर आपने पढ़े होंगे, पर्यावरण के प्राकृतिक घटक होते हैं, कृत्रिम घटक होते हैं, है ना। तो प्राकृतिक में भी भौतिक होते हैं कुछ, तो आपको बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। ताप मृदा प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं, भौतिक, ठीक है। अगला देखो, कंगारू के बच्चे को क्या कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक आठ का उत्तर बताना है आपको, कंगारू के बच्चे को क्या कहा जाता है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, जोई। क्या कहा जाता है, कंगारू के बच्चे को कहा जाता है जोई, ठीक है, याद रख लेना जोई। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। प्रश्न क्रमांक नौ का उत्तर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, कौन सी गैस अवशोषित की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक दस, तब आपका बिल्कुल सही क्या होगा, पारिस्थितिकी। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो पारिस्थितिकी में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चिपको बुमेन के नाम से किसे जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 11, चिपको बुमेन के नाम से किसे जाना जाता है। तब आपका राइट आंसर क्या होगा, चिपको बुमेन के नाम से जाना जाता है गौरा देवी को। किसे जाना जाता है, गौरा देवी, याद रख लेना है आपको, चिपको बुमेन के नाम से जाना जाता है गौरा देवी को। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बताना हमें क्या था। तब आपका राइट आंसर होगा, वनों में पेड़ों की कटाई को रोकना, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चेचक रेबीज पोलियो रोग किसके द्वारा फैलते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हमें बताना है, चेचक रेबीज पोलियो रोग जो है वो किसके द्वारा फैलते हैं।
13 का आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा विषाणु के द्वारा, ठीक है, विषाणु के द्वारा फैलते हैं, चेचक, रेबीज, पोलियो, ये विषाणु के द्वारा फैलते हैं। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हमें बताना है, पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा, नाइट्रेट, किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में, पौधे जो है नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं नाइट्रेट के रूप में, ठीक है। अगला है रेडियोधर्मी प्रदूषण को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? रेडियोधर्मी प्रदूषण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न क्रमांक 15। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, नाभिकीय प्रदूषण, किस नाम से जाना जाता है? नाभिकीय प्रदूषण के नाम से, रेडियोधर्मी प्रदूषण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नाभिकीय प्रदूषण, ठीक है। अगला है रेडियोधर्मी पदार्थों से कौन सी विकिरण उत्सर्जित होती है? प्रश्न क्रमांक 16, रेडियोधर्मी पदार्थों से कौन सी विकिरण उत्सर्जित होती है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अल्फा बीटा गामा विकिरण, ठीक है। रेडियोधर्मी पदार्थों से कौन सी विकिरण उत्सर्जित होती है? अल्फा बीटा गामा विकिरण उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कथन किसका है? प्रश्न क्रमांक 17, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, अरस्तु का, ठीक है, अरस्तु आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस, प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर बताना है, कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 27 सितंबर, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 18 का उत्तर। नेक्स्ट है खास श्रृंखला में प्रथम है, तो खास श्रृंखला में प्रथम कौन है? जल्दी से बताएं, आपने खास श्रृंखला पढ़ा है, तो खास श्रृंखला में प्रथम कौन होते हैं? तो आपको राइट आंसर बताना है प्रश्न क्रमांक 19 का, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कौन होते हैं, पौधे, ठीक है, खास श्रृंखला में प्रथम होते हैं पौधे। अगला क्वेश्चन है अनवीकरणीय संसाधनों के तीन उदाहरण बताइए। आपको पता है आपने नवीकरणीय संसाधन भी पढ़े हैं और अनवीकरणीय संसाधन भी पढ़े हैं, जिससे भी बन रहे हैं तो फटाफट कमेंट में लिखें, अनवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण बताना है, तीन उदाहरण। तो प्रश्न क्रमांक 20 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये अनवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बसा का जल अपघटन किस एंजाइम द्वारा छोटी आंत में होता है? बसा का जल अपघटन किस एंजाइम द्वारा छोटी आंत में होता है? प्रश्न क्रमांक 21, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है भूमंडलीय ताप वृद्धि को क्या कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर, भूमंडलीय ताप वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो राइट क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय ताप वृद्धि को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? आप कोई तीन प्रकार की ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताएं जल्दी से। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं, इनको याद रख लेना। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या फिर ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। अगला देखो वृक्षों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में के अंतर्गत किया जाता है? वृक्षों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? प्रश्न क्रमांक 24, तो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रश्न सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्रश्न क्रमांक 25, सौर ऊर्जा का हमें स्रोत बताना है, कौन सा है? सौर ऊर्जा का स्रोत माना जाता है नाभिकीय संलयन, ठीक है, सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। अगला है विटामिन सी के तीन स्रोतों के नाम बताइए। विटामिन सी, विटामिन सी आप जानते होंगे किस किस में पाया जाता है विटामिन सी, उनके तीन स्रोतों के नाम बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा आंवला,
संतरा, नींबू, ये विटामिन सी के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2002 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 2002 में पृथ्वी सम्मेलन बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया 2002 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन। तालाब किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? प्रश्न क्रमांक 28, तालाब किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण माना जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कृत्रिम। ठीक है, अगला है दोस्तों, नेत्रहीनों को पढ़ाने के लिए संपूर्ण विश्व में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? नेत्रहीनों को पढ़ाने के लिए संपूर्ण विश्व में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न क्रमांक 29, तब आपका राइट आंसर होगा ब्रेल लिपि का। किसका किया जाता है? ब्रेल लिपि। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, वे पक्षी कौन कौन से हैं? आप बताएं, कुछ पक्षी हैं जो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, उन पक्षियों के नाम बताना है आपको। प्रश्न क्रमांक 30, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा चील, बाज और गिद्ध। ये जो पक्षी होते हैं हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ठीक है, और चील से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे ऊंचे वृक्ष पर घोंसला कौन बनाता है? वो बनाता है चील। ठीक है, अगला है साहब, ईबीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ईबीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो किसके अर्थ में प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? एनवायरमेंटल स्टडीज, यानी कि ईवीएस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 31। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, परिवार शिक्षा का कौन सा साधन है, औपचारिक या फिर अनौपचारिक? परिवार शिक्षा का कौन सा साधन है, आपको उत्तर बताना है। प्रश्न क्रमांक 32 का, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? अनौपचारिक साधन। ठीक है, परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण बताना है। प्रश्न क्रमांक 33, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये अम्लीय वर्षा के मुख्य कारण माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 34, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? 8 मई, 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 34 का आंसर। नेक्स्ट है, डीपीटी का टीका किस रोग के बचाव के लिए किया जाता है? डीपीटी का टीका किस रोग के बचाव के लिए किया जाता है? प्रश्न क्रमांक 35, तो आपका राइट आंसर होगा डिप्थीरिया रोग के बचाव के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है ना, तो डिप्थीरिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? प्रश्न क्रमांक 36, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा लोहे की कमी से। ठीक है, लोहे तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 37, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? 1 दिसंबर को। ठीक है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की ऊपरी परत को बताना है। आपने वायुमंडल की 5 परतों को पढ़ा होगा, सबसे ऊपरी जो परत है उसे क्या कहा जाता है? तब आपका राइट आंसर होगा बहिर्मंडल। ठीक है, ऊपरी परत को कहा जाता है बहिर्मंडल। अगला है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 39 का उत्तर हमें बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो वायुमंडल की 5 परतें हैं और 5 परतों में हमने देखा कि ऊपरी परत जो है वो बहिर्मंडल कहलाती है। सबसे निचली परत आपको बताना है, जहां पर मौसम संबंधी घटनाएं भी होती हैं, तो वो परत कौन सी है? वो कहलाती है दोस्तों क्षोभ मंडल। ठीक है, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? प्रश्न क्रमांक 40 का आंसर बताना है आपको। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, जल्दी से कमेंट में लिखें। प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, आपका उत्तर होगा 1972 में। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1972।
अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहां पर है? नीरी, जल्दी से बताएं। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, पर्यावरण अनुसंधान संस्थान भी कहां पर है? नागपुर में है, और केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान भी नागपुर महाराष्ट्र में है। अगला है, मलेरिया का परजीवी है, तो मलेरिया का परजीवी कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 42। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है वो मलेरिया का परजीवी माना जाता है। ठीक है, 42 का आंसर। अगला है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना कब लागू हुई? भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना कब लागू हुई? प्रश्न क्रमांक 43। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 20 अगस्त 2013 को। ठीक है, 20 अगस्त 2013 को भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गई। अगला है दोस्तों आपका क्वेश्चन, पर्यावरण से संबंधित पारिस्थितिक विकास बाल योजना, विकास बाल योजना किस वर्ष अपनाई गई? तो पर्यावरण से संबंधित पारिस्थितिक विकास बाल योजना किस वर्ष अपनाई गई? 44 का आंसर। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1980 में। कब अपनाई गई? 1980। ठीक है, सिंघाड़ा किस प्रकार की जड़ का उदाहरण है? आपने सिंघाड़ा देखा होगा, तो ये किस प्रकार की जड़ का उदाहरण माना जाता है सिंघाड़ा? प्रश्न क्रमांक 45 का उत्तर। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? स्वांगी कारक। क्या है ये? जो सिंघाड़ा का, सिंघाड़ी की जड़ है ना, ये स्वांगी कारक जड़ का उदाहरण माना जाता है सिंघाड़ा। 45 का उत्तर। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारे 45 जो प्रश्न है यहां पर खत्म होते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और फेसबुक से जुड़ने के लिए सर्च कर सकते हैं सुमित जैन, ट्विटर से जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सुमित जैन। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं IAS स्टडी ट्रैक, और यूट्यूब चैनल तो सेल्फ स्टडी क्लासेस है, और व्हाट्सएप नंबर ये दिया है, तो व्हाट्सएप से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी अगर कहीं भी आपको डाउट लगता है वीडियो में या किसी भी प्रकार से, तो आप व्हाट्सएप में भी मैसेज छोड़ सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं से भी आप जो है पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में अपने मित्रों तक शेयर जरूर करना है दोस्तों। इसी प्रकार से आपकी निरंतर जो है तैयारी चल रही है CTT एग्जाम की, रीट एग्जाम की, या फिर MPTET ग्रेड 3 एग्जाम की। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।